वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर ब्लॉग। सो गाइस, आज का टॉपिक ये है कि आप लोग एटीकेटी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं अपने सब्जेक्ट को लेकर, कैसे रीड करना, कैसे प्रिपरेशन चालू रखना, और एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तो एग्जाम आपका जब भी होगा तभी मेरे चैनल पर आपको ये वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे वीडियो के जरिए, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको प्रिपरेशन करना है। जो सब्जेक्ट आपका पैक है आपको प्लीज़ आप उसको रीड आउट करो। रीड आउट नहीं करोगे तो आपके पास ये लास्ट चांस है। तो आपको कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको रीड आउट करना है। रीड आउट करो, अच्छे से पढ़ाई करो। आपको ये चांस बार बार नहीं आता है लाइफ में, एक दो बार आ गया अदरवाइज़ आप लोग हाथ धो बैठोगे। इसलिए आप लोग प्रिपरेशन चालू रखो। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था प्रिपरेशन और रीडिंग कैसे करते हैं, और मेरा वीडियो जो पहले इसके पहले MSBT रिजल्ट को लेकर आया था वो नहीं देखे वो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वो वीडियो है, या मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, क्लिक करो ऑल वीडियो पे, वहाँ पे आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग देखो, लाइक करो, शेयर करो एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, और जल्द ही 1K करा दो सब्सक्राइबर। उसके बाद ही मेरे चैनल पे जो भी सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन, सब्जेक्ट वाइज लेक्चर है वो आएगा। क्योंकि अभी मैं ये अभी आप लोग का जो कन्फ्यूज़न है ना, इसके बारे में मैं नोटिफिकेशन दे रही हूँ, और आप लोग जल्द से जल्द 1K करा दो। आपको हर सब्जेक्ट के लेक्चर मिल जाएंगे। DSBM हुआ, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, PC फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, HECP ह्यूमन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, और फर्स्ट ईयर के जो भी हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और BCP बायोकेमिस्ट्री, जो भी है आपको पूरा मिल जाएगा। आपको फार्माकोलॉजी का चाहिए या कोई भी सब्जेक्ट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में करो और वो सब्जेक्ट का टॉपिक मुझे कमेंट करो। वो सब्जेक्ट का टॉपिक आज कमेंट करो, कल वीडियो मिल जाएगा या आज ही मिल जाएगा। वो वीडियो मैंने अपलोड आपके लिए स्लाइड बना रही हूँ, अब स्लाइड बन जाएगा, आपको वो वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में कन्वर्ट करके मैं सेंड करूँगी, ठीक है। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब। तो आते हैं टॉपिक पे। जो टॉपिक है क्या है, समर एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इस बार पढ़ाया तो ऑनलाइन था और एग्ज़ाम हुआ था ऑफलाइन। तो इसके वजह से जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, वो क्या है, आधा से ज़्यादा बच्चे एटीकेटी उनको लगा है, ठीक है। एक या दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट, कोई कोई को किसी को तो 5 सब्जेक्ट में लग गया है, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट निकला है। तो उसको टेंशन नहीं लेना है, मेरी वीडियो देखो, आप मोटिवेट हो जाओ। आपको प्रिपरेशन जारी रखना है, आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। अदरवाइज़ आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है, आज से पढ़ाई स्टार्ट करना है, ठीक है। आज से आप लोग के पास 20 दिन और है। 20 दिन के बाद देखना, ये मेरे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आएगा कि एग्ज़ाम का जो भी डेट है, डेट निकला है, ऑफिशियल सर्कुलेशन जैसे आएगा वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आज से पढ़ाई स्टार्ट करना है। फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, जो भी है आपका सेशनल थ्योरी, जो भी है आपको MCQ, जो भी है आप लोग वो उठा के पढ़ो। आपको जो MCQ का आंसर नहीं आता है, आपको नहीं मिलता है कहीं से, आपके बुक में भी नहीं मिलता है, अदरवाइज टीचर्स आपको MCQ बाहर के देते हैं, तो कुछ MCQ के आंसर नहीं मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पीरीडीन का स्ट्रक्चर बहुत हार्डली नहीं होता है, बट कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, पीरीडीन की जगह पायरोडीन का स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं, 2-ethyl 2-methyl ऐसे पूरा उसका नाम लिख देते हैं। तो उसको क्या करना है, पीरीडीन का, जैसे अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये भी किसी को नहीं पता, ओके। तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर को क्या करना है, आपको ड्रॉ करके 1 से 2 बार 2 बार 3 बार 10 बार ड्रॉ करके अच्छे से याद करके लिखना है। और आपको क्या करना है, एटीकेटी स्टूडेंट, आपको ये न्यूज़ में भी आ रहा है, APP न्यूज़ माझा चैनल मराठी पे आ रहा है, APP माझा करके है चैनल, उस पर आया है कि बच्चों बहुत ज़्यादा इस बार एटीकेटी का सामना करना पड़ रहा है उनको। तो आपको एटीकेटी से डरना नहीं है, आपको पढ़ाई करना है, आपके पास ये लास्ट चांस है, आपको पढ़ाई करो और प्रिपरेशन जारी रखो। जैसे ही डेट आएगा, ऑफिशियल सर्कुलेशन आएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ाई करो, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में मेरा आएगा कैसे प्रिपरेशन करते हैं हर सब्जेक्ट का, वो वीडियो कल आ जाएगा सुबह तक, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग या दोपहर तक आ जाएगा, ठीक है। आपको पढ़ाई करना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बाय बाय, और सबको हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, ओके, बाय बाय।